कि काम रेट लाने ने खास करके जोगिंदर अग्रहां ने यह गल कही सी कि सिख हुण आपदा मोर्चा ला लैण, बई बंदी सिंघां दा ला लैण, वध अधिकारां दा ला दैण। ठीक है, उन्हें यह गल बड़ी टिचर दे तौर ते भी कही सी और चैलेंज भी किया सी। जोगिंदर अग्रहां नूं पता नहीं कि सिख कौम कीड़ी कौम है, किस गुरु महाराज की थापी हुई कौम है। और ये जोगिंदर अग्रहां और उन्हां कामरेडां दे मूंह ते चपेड़ भी है, थप्पड़ भी है। कल खालसई रंग दे विच रंग के पंजाब दा नौजवान, बच्चा ही बच्चा नौजवान कामरेडां नूं ये गल दिखा गया कि असी दिल्ली भी थोनू असी लैके गए थी कामरेडो, तुसी बहुत बड़े भुलेखे च सी। और आ अपने बंदी सिंघां लई, अपने जथेदार साहब लई, जथेदार साहब लई असी फिर जा रहे हैं। अग्रहां कहिंदा सी ना कि असी लंगर दा अरेजमेंट कर दांगे, चाह पानी दा कर दांगे। अग्रहां यह सिख कौम है, ये दो तीन करोड़ है, ते 7 करोड़ बंदा साडे लंगरां च लंगर छकदा तेरे वर्गा, खास करके तुसी ज्यादा कामरेड साडे लंगरां च छकदे हो। और तू कहिंदा सी ना लंगर भी दे दांगे, दुध पानी भी दे दांगे, एक पानी की बोतल भी साडे इस मार्च च तेरे किसी कामरेड ने दत्ती होवे असी देणदार हैं, जब पूरे किसानी संघर्ष च दत्ती होवे। इसलिए एक कामरेडा दे मूंह ते एक चपेड़ है और सिख कौम की नौजवानी का इन्हां कुत्ते कामरेडा नूं जवाब है कि असी अपने पंजाब लई, अपने नौजवानों लई, अपने बंदी सिंघां लई, अपनी कौम लई हर वेले तैयार हैं और चढ़दी कला च है। असी कोई मंगते जां भिखारी नहीं हैगे कि तू सानूं लंगरां की गल करेगा। टना दे टन कामरेडो तुसी साडे लंगर छके ने दिल्ली मोर्चे च, किसानी मोर्चे च। इसलिए तुहानू असी दिखाउणा सी, दिखा दिता। और यह भी असी दिल्ली अपना चंडीगढ़ यह भी गल कह के आए हैं कि जेकर बंदी सिंह ना रिहा किते तां बड़ा मोर्चा लाया जाऊगा, जिवें किसानी मोर्चा लाया सी। बंदी सिंह कौम की, सिख कौम की जिंद जान ने और उन्होंने असी हर कीमत ते रिहा करवाउणा ही करवाउणा है। बहुत बधाई दे पात्र है सिख कौम भी, सारे पंजाबी भी। और मन बड़ा खुश होया कि अज भी लोग उन्हां बंदी सिंघां दे नाल चट्टान वांग खड़े ने। फर्ज भी बनता अपना कि इन्ना लंबा समा उन्हां नूं हो गया जेलां विच बैठिया नूं, ते तुसी देखो कि जिन्नी सजा बनती है उहदे तो दुगनी तो भी वध कट्टी बैठे ने। लेकिन फिर भी सब तो वड्डी गल है कि वह चढ़दी कला विच ने, अकाल पुरख वाहिगुरु की उन्हां ते किरपा है, सतगुर सच्चे पातशाह उन्हां दे नाल ने। ते पंजाब दा भी यह फर्ज बनता सी कि आपां उन्हां दा सहयोग करिए और आपां उन्हां दा डट के सहयोग किया। ते फिर गवर्नर हाउस दे विच जिहड़ी कमेटी गई, वह कमेटी दे विच मैनू भी नाल जाण दा मौका मिलिया। दीप सिद्धू भी गया, जोगराज भी गया, अमर सिंह चहल उन्हें भी गए, बापू गुरचरण सिंह उन्हें भी गए, जसविंदर सिंह भी गया, तो होर भी सिंह सीगे जिन्हां दे एक दो दे मैं नौ नहीं जानता, तो वह भी अंदर उत्थे गए। उत्थे जाण तो बाद काफ़ी एक घंटा कशमकश हुई, काफ़ी उन्हां नाल बहस भी हुई। तो इस मुद्दे ते पहला गवर्नर वालों SDM नूं भेजा गया, उस तो बाद गवर्नर टू ADC हुंदा, उहदे नाल गलबात कीती। और उस तो बाद फिर चार बंदे अंदर गए जिन्हां विच दीप सिद्धू सीगा, अमर सिंह चहल सी, बापू जी सीगे हवारा साहब दे, साडे सारयां दे बजुर्ग ने, बड़े सन्मानयोग ने, ते जोगराज सिंह सीगा जिहड़े नहीं जोगराज नहीं सी, एक होर सिंह सीगा। ये चार सिंह अंदर गए सी। तो उस तो बाद गवर्नर साहब नूं मिले ने, ते उस तो पहला काफ़ी ज़्यादा विचार वटांदरा होया। एक गल उत्थे बड़ी वधिया लगी कि बापू जी ने भी बड़ी जुरत नाल गल कीती, सारे सिंघां ने बड़ी जुरत नाल गल कीती। और दीप सिद्धू ने जिवें आपां पहलां समझदे आं, आपां सारे गल्लां करदे हुंदे सी कि टेबल टाक ते गल्लबात करन नूं उह नौजवान बड़ा तकड़ा, और पहली बार देखिया कि स्टेट दे सामने, वड्डे अफसरां दे सामने जिवें उन्हें गल्लबात कीती, वाकई बाकमाल सी। और इस गल करके
जिहड़ा एक कल सिख कौम ने उन्हूं इस मेन मुद्दे ते गलबात लई गवर्नर कोल भेजिया, ये दीप सिद्धू लई भी बड़ी माण दी गल है कि सिख कौम ने उन्हूं अपने हत्थां ते चुकिया और अपने मेन मुद्दे बंदी सिंह वाले ते गवर्नर नाल गलबात कर लई उन्हूं अंदर भेजिया। फर्ज भी बनता सी ते ओह इस गल दे लायक भी है, इंटैलीजेंट भी है ते वकील भी है। सो उन्हें गल बहुत वधिया करी, जिथे अंग्रेजी च गल करन वाली थी उन्हें अंग्रेजी च गल कीती, पहले एसडीएम नाल कीती, फिर एडीसी गवर्नर एडीसी टू जिहड़ा गवर्नर हुंदा उहदे नाल कीती, फिर एसएसपी चंडीगढ़ नाल भी उन्हें गलबात कीती और उन्हें बहुत वधिया तरीके नाल बंदी सिंघां दा केस उत्थे रखिया। तो उस तो बाद गवर्नर नाल जिहड़ी गलबात हुई वह यह हुई, जद इन्होंने सारी गल दसी और बापू जी ने उत्थे गवर्नर साहब नूं एक बहुत ही वधिया गल कही और बड़ी जुरत वाली गल उन्होंने बापू जी उन्होंने अंदर कही कि तुसी सानू गुलामी का एहसास ना करवाओ, साढ़े ये जिहड़े योधे ने जिहड़े सिंह ने साढ़े नौजवान ने बंदी सिंह ने इन्हां नूं रिहा करो, क्योंकि ये जिन्नी सजा बनती है उदों दुगनी तो भी वध कट चुके ने। सो ये बड़ी जुरत वाली गल है, इत्थों ही पता लगता है कि जिहड़े भाई जगतार सिंह हवारा जी दे पिता सी उन्हां दे अंदर किन्ना हौसला सी गल करन दा और किड्डी दलेरी सी। और उस तो बाद गवर्नर साहब ने यह गल कही है कि 25 साल तो वध वाले जिहड़े ड्यूटी दे अंडर आउंदे ने, ड्यूटी दे जिहड़े कहिंदा मेरे अंडर आउंदे ने जिन्हां नूं मैं छड्ड सकदा, वह बंदियां दी लिस्ट और कस्टडी सर्टिफिकेट तुसी मैनूं दिओ ते मैं बहुत जल्दी उन्हां दी रिहाई करवा दूंगा। और जिहड़े ड्यूटी दे अंडर नहीं आउंदे उन्हां दीआं भी जिहड़ियां फाइलां ने वह दूसरी स्टेट दे होम सैकटरियां नूं और चीफ सैकटरियां नूं जां सरकार नूं असी बहुत जल्दी भेज दांगे। और इत्थे फिर अपने बंदिया ने कहा भी सानू इहदा कोई विश्वास दवाओ भी इहदे बारे सानू दसो। उन्होंने गवर्नर साहब ने यह गल कही है कि यह गवर्नर थोनू कह रहा है। सो यह भी गल हुई कि अपां दीप सिद्धू ने कहा कि इस दौरान अपां एक होर गवर्नर साहब नूं उन्होंने कहा कि एक होर मीटिंग कर लांगे, वह कहिंदे गवर्नर साहब कहिंदे किसी मीटिंग की लोड़ नहीं, यह गवर्नर थोनू कह रहा है, गवर्नर थोड़े नाल वादा कर रहा है कि तुसी जिहड़ियां फॉर्मैलिटीज ने वह लैके आओ और जिहड़े 25 साल तो उत्ते दी इन्हां दी कस्टडी सर्टिफिकेट ने जिहड़े जेल चों मिलदे हुंदे ने वह लैके आओ, मैं थोड़े नाल वादा करना कि इन्हां सिंघां दी बड़ी जल्दी मैं रिहाई करवाऊंगा ते और सिंह रिहा होणगे। सो इस करके अपनी इन्नी कु उत्थे गलबात हुई सी, कल आके प्रेस नूं भी दसदी सी ते काफी सिंह कह रहे सी कि दसो उत्थे गलबात हुई की। सो इस दौरान एक वधिया गल लगी कि पहली बार सिख कौम नूं एक वधिया नौजवान जिहड़ा हर अंग्रेजी च भी ते पंजाबी च भी जिहनूं कानून बारे भी नॉलेज है वह बुलारा देखण नूं मिलिया। और सारे इस गल्लों खास करके बापू जी उन्होंने और होर जिहड़े नाल सिंह गए सी उन्होंने दीप सिद्धू दी इस गल्लों रज के तारीफ कीती कि उसने बहुत वधिया तरीके नाल गवर्नर को बंदी सिंघां दा केस है जिहड़ा वह रखिया और उन्हें अफसरां नाल जिहड़ी बहस भी कीती वह भी बाकमाल सी। सो एक इस गल दे विच इह भी गल हुई कि जिवें किसानी संघर्ष दे विच उस नौजवान नूं जिहड़ा बॉम्बे तों पंजाब लई दर्द रख के पंजाब दे किसानी लई दर्द रख के आया सी उन्हूं जिवें कामरेड लाणे ने जलील करन दी कोशिश कीती सी, लेकिन वह भी अज सारी सिख कौम ने धो के रखती कि बंदी सिंघां वाला जिहड़ा मेन मसला सीगा पंजाब दा उहदे च दीप सिद्धू नूं भेजिया। और यह दीप सिद्धू लई भी बड़े माण दी गल है, मैं भी नाल गया सीगा और उस नौजवान ने बहुत वधिया तरीके नाल अफसरां नाल और नौजवानां दा जिहड़ा बंदी सिंघां दा केस उत्थे पुट कीता।